अरहं सम्मा संबुद्धु भगवान् बुद्धं भगवन्तं अभिवादे स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावकसंघो संघन्नामि नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। विश्वनदियां महाकारणी तथागत सम्यक संबुद्ध तथागत द्वारा उपदेशित आर्य सद्धम्मा और तथागत का पवित्र पावन सा भिक्षु संघ इन तीन रत्नों को मैं त्रिवार अभिवादन करता हूँ। वैसे ही भारतीय गणने के शिल्पकार बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने इस भारतवर्ष में धम्म क्रांति का ऐलान किया, उस धम्म क्रांति में अपने आप को समर्पित करता हूँ। वैसे ही जुड़े हुए सभी शुभ संपन्न श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं, कार्यकर्ता सारिकाएं, बालक तथा बालिकाएं सभी के प्रति मंगलमय थी, मंगल कामना। तो जैसा कि हम देखते हैं, तो भगवान बुद्ध ने जो धर्म बताया है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि धर्म का हम आचरण करते हैं, हाँ, और धर्म का आचरण करते हैं और ध्यान साधना वगैरह करते हैं, पुण्य करते हैं, धम्म श्रवण करते हैं, धम्म पढ़ते हैं, बहुत सारी चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं, जो बुद्धिज्म है वो बुद्धिज्म में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि उस प्रैक्टिस करते वक्त क्या हो जाता है, एक प्रकार का आलस्य आ जाता है प्रैक्टिस में, ऐसा प्रैक्टिस करने से मन ऊब जाता है, ऐसा लगता है कि प्रैक्टिस अभी ना करें, है ना, रुक जाता है थोड़ा सा, या फिर ऐसा लगता है कि बाद में करेंगे, है ना, प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, बाद में ध्यान करेंगे, आज नहीं किया तो क्या हुआ, कल करेंगे, सुबह नहीं किया तो क्या हुआ, शाम को करेंगे, इस प्रकार से प्रोक्रास्टिनेशन हम करते रहते हैं, टालते रहते हैं, कल 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 पर बात को टालते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत बार हमारे प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है ना, और वैसे ही अगर दिन बीतते चले जाते हैं तो एक प्रकार का आलस्य में मन चला जाता है, प्रमाद में मन चला जाता है, और उस प्रमाद से फिर वो बाहर नहीं निकल पाता है ना, या फिर बाहर निकलने में उसको समय लगता है, ऐसा भी हो जाता है ना। तो ऐसा इसलिए होता है कि जैसे कि कुछ मतलब कि हमारा जो ब्रेन है या फिर जो हमारा माइंड है वो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट इस साइकिल पर चलता है। अगर कुछ हम अच्छे कर्म करेंगे, कुछ अच्छी चीजें माइंड को देंगे, या फिर कुछ अच्छा काम करने के बाद अगर हम माइंड को कुछ रिवॉर्ड देंगे तो क्या हो जाता है, माइंड उस काम करने के लिए और ज्यादा आगे आता है। जैसे कि बच्चों को अगर हम कहें, बच्चों को अगर हम पढ़ने को बिठाएं, उनको पढ़ने को बिठाएं तो पढ़ते नहीं, अगर उनको ये कहा जाए कि आप पढ़ने को बैठो, मैं एक घंटे पढ़ाई करूंगा तो मैं चॉकलेट दूंगा, तो वो बच्चे क्या करते हैं, उस चॉकलेट को पाने के लिए और ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। तो उस चॉकलेट को पाने के लिए रिवार्ड मिलता है, चॉकलेट माने क्या है कि उनके माइंड के लिए एक रिवार्ड है, उस रिवार्ड को पाने के लिए वो काम पे लग जाते हैं, है ना। तो होता यही है कि हम जो कुछ भी काम करते हैं उसके लिए हमें रिवॉर्ड मिलता है, इसीलिए हम वो काम करते हैं। जैसे कि हम हमारा काम धंधा जो है, उद्योग जो है, बिजनेस जो है, वो भी इसलिए करते हैं क्योंकि उससे हमें प्रॉफिट मिलता है, उससे हमें पैसा मिलता है, उस पैसे से हम जो हमारे मन मर्जी कर सकते हैं, तो इसीलिए हमें रिवॉर्ड मिलता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, वो काम को करते हैं। और बहुत सारे काम होती है वो माइंड उस प्रकार से करता है।
अभी धम्म में भी क्या होता है कि मेडिटेशन में भी हम अगर करते हैं तो मेडिटेशन में हमें वृद्धि सुख मिलता है ना, वितर के विचार, वृद्धि सुख, एकाग्रता, जो ध्यानांग होते हैं वो उत्पन्न होने से वृद्धि सुख का एहसास होता है ना, एक अच्छा अच्छा लगता है, धारा प्रवाह वगैरह होता है, सुखद संवेदनाएं आती है, तो सुखद संवेदनाओं का क्या होता है, रिवॉर्ड मिलता है ना, तो उस रिवॉर्ड के चलते माइंड बोलता है कि मुझे और ज्यादा ध्यान करना चाहिए, अलग प्रकार से अनुभव आता है, अलग प्रकार से हल्का हल्का सा लगता है, हवा में उड़ने के जैसा अनुभव आता है, तो ये अनुभव आने के चलते माइंड को लगता है कि मुझे और ज्यादा ये चीज करनी चाहिए, और वो करने में माइंड क्या लेता है, रस लेता है, छंद जगाता है, वीर्य जगाता है, चित्त उसमें एकाग्र करता है ना, उसके बारे में चिंता मनन करता है, तो रिद्धिपात वहां पे पुष्ट होता है। और लेकिन बहुत बार क्या होता है कि हम साधना करते हैं और बहुत बार ऐसा होता है फिर कभी कभी कि ध्यान नहीं लगता, ध्यान नहीं लगने से फिर वो धारा प्रवाह नहीं लगता, सुखद संवेदना, वृद्धि सुख उत्पन्न नहीं होता, और फिर उससे मन उब जाता है, एक दो दिन ध्यान करेंगे मन उब जाएगा, नहीं करने का मन करेगा, या फिर धम्म श्रवण करने का नहीं मन करेगा, दान पुण्य करने का मन नहीं करेगा, या फिर अगर ऐसा हो सकता है कि शील पालन करने का मन नहीं करेगा, है ना, और उपोषण लेने का मन नहीं करेगा, तो ऐसी चीजें जो होगी मन में आ जाएंगी, तो उसको ही साधारण भाषा में मार कहा है ना, कि मन उब जाता है, क्योंकि मन को वहां पे रिवॉर्ड कुछ नहीं मिलता, मन सोचता है कि मैं ये बार बार कर रहा हूँ तो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि ये विपाक आने में भी क्या लगता है, समय लगता है, और उस समय तक मन क्या करता है, वेट नहीं करता, क्योंकि मन में पेशेंस है ना, तो हमें वो पेशेंस जनरेट करता है ना, पेशेंस जनरेट करना है। और दूसरी एक चीज बहुत महत्वपूर्ण ध्यान देनी है कि हमें मन को मोटिवेट करना, मोटिवेट करने से, मोटिवेट करना इन द सेंस कि छंद जगाना है ना, त्रिपिटक की भाषा से कहें तो कैसे हम छंद जगाएंगे, कैसे हम साधना में आगे बढ़ने के लिए मन को उत्साहित करेंगे, उत्साह जगाएंगे, तो भगवान ने समझाया है कि हमें देखना है ना, दुख बोध हमें करना है, दुख बोध करना है, और उस दुख बोध क्या क्या कर सकते हैं, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरण भी दुखा, ये क्या है कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो जीवन है, वो जरा की तरफ जा रहा है, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, और मरण की तरफ जा रहा है, तो उसमें अनेक प्रकार की व्याधि हो रही है, कितना दुख, तो जीवन में हमें दुख देखना है ना, तो जीवन में दुख देखने से क्या होता है, फिर उस दुख से छूटने का मन निर्माण होता है, अगर हम दुख नहीं देखेंगे, अशुभ को नहीं देखेंगे, तो उस इस जीवन से, रचना से हम छूटेंगे नहीं, छूटने का प्रयास हम करने का मन हमारे मन में उत्पन्न नहीं होगा, है ना, तो इसीलिए भगवान ने बहुत सारे सूत्रों में कहा है कि जो जरा होना, जीर्ण होना, वृद्ध होना, बूढ़ा होना, आयुष्य खत्म होना, यह क्या है, यह इसमें हमें भय देखना चाहिए कि मैं क्या है, एक दिन बूढ़ा होने वाला हूँ, एक दिन मैं मरने वाला हूँ, एक दिन मेरे क्या होने वाले, अलग अलग प्रकार के व्याधि होने वाले हैं, है ना, अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं, बुढ़ापे में डाइजेशन नहीं होता, चलना नहीं होता, उठना नहीं होता, बैठना नहीं होता, है ना, कमर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, अनेक प्रकार के त्रास होते हैं, अनेक प्रकार के क्या होता है, दुख होता है, तो ऐसा सोच मन में विचार लाकर हमें यह क्या करना चाहिए, ये भय देखना चाहिए, है ना, कि ये अगर मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो उसमें भय देखते हुए, जल्दी ही मैं मरने वाला हूँ, जल्दी ही मैं बूढ़ा होने वाला हूँ, अलग अलग प्रकार की व्याधि मुझे हो सकती है, तो ऐसा भय देख के मरण की स्मृति रखते हुए हम उससे क्या करना चाहिए, छूटने का प्रयास करना चाहिए, जो भगवान बुद्ध ने मार्ग बताया उससे छूटने का, है ना, जाति जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखा, मरण भी दुखा, इस पूरे दुख चक्र से छूटने का जो बुद्ध ने मार्ग बताया उसकी तरफ प्रयास करना चाहिए, हमें शरण लेना चाहिए, बुद्ध बोलते हैं, तो ये जाति जरा व्याधि मरण से क्या है, और ये पूरा संसार ग्रस्त है, और इस संसार में इस जाति जरा व्याधि मरण से अगर छूटना है, उससे अगर हमें कुछ, एक जैसे समझो कोई डूब रहा है या फिर कुछ नदी में बहा रहा है, तो नदी में कुछ बह रहा है तो उसको क्या रस्सी का सहारा होता है ना, डूबने वालों को और रस्सी का सहारा, ऐसा कुछ तो भी बोलते हैं ना, तिनके का सहारा के ऐसा कुछ को भी, तो उस प्रकार से हमें इस जगत में ये जो संसार है, जो मरने की तरफ जा रहा है, बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, तो उसमें हमें जो मन का संयम है उसको क्या करना चाहिए, मन के संयम की डोर पकड़नी चाहिए कि जो हमें बचा के ले जाएगी जरा से, दुख से, मरण से।
है ना। तो भगवान बोलते हैं कि जो जाति जरा और वरण हमें खींच कर ले जा रहा है, तो उसमें हमें शरीर का संयम, वाणी का संयम, मन का संयम है ना, परलोक प्राप्त तो व्यक्ति का प्राण है, वही आश्रय स्थान है, वही द्वीप है, वही शरण स्थान है, वह सहारा है ना, कि मन का सहारा है। जो अगर कोई व्यक्ति बूढ़ा भी है, अगर कोई व्यक्ति मरण के द्वार पर भी पड़ा हुआ है, बूढ़ा है, जर्जर और आयुष्य उसका कमजोर है, कभी भी मर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति ने भी क्या करना चाहिए, उस वक्त भी मन का संयम, शरीर का संयम, वाणी का संयम और मन का संयम, ये तीन संयम के क्या करने चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए, भावना करनी चाहिए, क्योंकि वही उसको तर सकते हैं, वही उसको तर ले जा सकते हैं, पर लोग सिधार सकते हैं, अन्यथा उसका जो है जीवन वैसे ही बुढ़ापा हो गया है, उसे कुछ पुण्य कर्म नहीं किया है, तो क्या हो है? तो उसका जीवन व्यर्थ गया है। लेकिन लास्ट के टाइम में भी वो क्या कर सकता है, भगवान ने बताया कि मन का संयम कर सकता है और परलोक को सिद्ध कर सकता है, माने कि सुगति को सिद्ध कर सकता है ना, परलोक में अपनी जगह बना सकता है, माने कि देवता लोक है, ब्रह्म लोक है, अरुद्र ब्रह्म लोक है, उसमें अपनी देवता जगह बना सकता है, कि अगर वो केवल शरीर वाणी और मन का संयम अगर बुढ़ापे में भी करें तो। ये बहुत भगवान ने जो धर्म बताया है, वैसे भी बताया है, अनेक बार बताया है कि जो धर्म है वो क्या है, आदि कल्याण है, मध्य कल्याण है और पर्योत्सान कल्याण है। शुरुआत में भी अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे, आत्मसात करेंगे तो भी कल्याणकारी है, मध्य में भी उसको आत्मसात करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे तो भी कल्याणकारी है, और अंत में लास्ट में बुढ़ापे में भी उसको एक्सेप्ट करेंगे, भावना करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो भी उतना ही कल्याणकारी है। इस प्रकार से भगवान बताना चाहते हैं, और भगवान बोलते हैं कि आने वाले काल में दूसरा सूत्र है उसमें बोलते हैं कि भगवान कि ये पूरा संसार जल रहा है, बुढ़ापे से जल रहा है, मरण से जल रहा है, जरा से जल रहा है, व्याधि से जल रहा है, तो इस संसार को ये जलता देख, मरण मरणशील देख, उसमें देखना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा पुण्य कमानी चाहिए, है ना। तो अगर हमारे मन में क्या है कि हम डिमोटिवेटेड फील करते हैं, भावना नहीं कर पा रहे हैं, दानशील या फिर जो विपसना है, ध्यान करना है, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो मरण का भय देखना चाहिए, ये संसार मरणशील है, मरण धर्म है ना, संसार में देखना चाहिए, दुख देखना चाहिए कि किस प्रकार से लोग दुख हैं, किस प्रकार से लोग मर रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, अनेक प्रकार की व्याधि हो रही है ना, कभी हॉस्पिटल पे जाके देखना चाहिए कि किस प्रकार से लोग ग्रसित है ना, तो उनको देख के क्या होता है कि दुख का अंदाजा आ जाता है कि किस प्रकार की यह जगत दुखद है, तो मुझे झट से इन दुख से छूटना चाहिए, है ना। तो भगवान देख बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पुण्य अर्जित करना चाहिए, ये संसार क्या है, जल रहा है, जिस प्रकार से हम क्या बोलते हैं उसको, कि जिस प्रकार से भगवान बता रहे कि कोई घर जल रहा है, तो घर जल रहा है तो कोई व्यक्ति अपने घर को जलाता जलता हुआ देख वो क्या करता है कि कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें कलेक्ट करता है और उसको बाहर फेंक देता है ताकि वो जले नहीं, सुरक्षित रहे। तो उसी प्रकार भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा जो जीवन भी है वो जल्दी जल्दी मरण की तरफ जा रहा है, जल्दी जल्दी तुम भी मरने वाले हो, तो तुम्हें इस संसार से कुछ ऐसी चीजें बटोरनी चाहिए कि जो तुम्हें जलने के बाद भी, ये संसार जलने के बाद भी काम आ जाए, ये मरण होने के बाद भी, ये लोग मनुष्य लोग जाने के बाद भी तुम्हें दूसरा लोक में वो काम आ जाए, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं। तो भगवान फिर से बताते हैं कि यह दान कर्म जो दान कर्म जो है और शील कर्म जो है, संयम का कर्म जो है, तो दान कर्म और संयम का कर्म जितना ज्यादा हो सके उतना करना चाहिए, ताकि वह हमारी सामग्री बने अगले जन्म की, है ना। अगर हम निर्वाण नहीं प्राप्त हो सकता है तो भी हमें सुगति तो उससे मिल ही जाएगी, तो इसीलिए सुगति मिलने के लिए ही एटलीस्ट हमें थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, कुछ तो भी पुण्य कर्म करने चाहिए, और ज्यादा अगर हमें डीपली पूरी तरह से पुण्य को निकालना ही है, तो पूरी तरह से ये दुख से छूटना ही है, तो और ज्यादा हमें क्या करनी चाहिए, उत्साह करनी चाहिए, और ज्यादा देखना चाहिए, दुख देखना चाहिए, दुख से डरना चाहिए, है ना, जरा से डरना चाहिए, व्याधि से डरना चाहिए, मरण से डरना चाहिए, और उससे बचने के लिए जो भगवान ने रास्ता बताया, शरण स्थान बताया, आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया, उसकी ज्यादा से ज्यादा भावना करना चाहिए, यही एकमात्र मार्ग हमारे पास बचता है, क्यों, जो भगवान ने बताया है। इसीलिए अगर हम थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करते हैं तो क्या करना चाहिए, हमें दुख देखना चाहिए, चिंतन मनन करना चाहिए कि मेरे जन्म से लेकर आज तक मेरी आयु इतनी हो गई है, और एक चुटकी बजाते हुए क्षण के समान वो आयु
चली गई है ना। अगर हम देखेंगे मेमोरीज, देखेंगे हमारे पास्ट की, तो ऐसा लगता है कि कितनी जल्दी जल्दी दिन जा रहे हैं, कितने जल्दी जल्दी हम बड़े हो गए, कितने जल्दी जल्दी स्कूल हो गया, यानी कितने जल्दी जल्दी परिवार हो गया, परिवार से दूर आ गए, ये हो गया, दूसरा परिवार बसा लिया, ऐसा किया वैसा किया, इतनी सारी चीजें कितने जल्दी जल्दी हो गई, जस्ट एक लाइक फ्लैशबैक की तरह हमारा जीवन हमें दिख जाएगा, है ना। तो जानना है कि इतनी ही जल्दी आने वाला जीवन भी चला जाएगा, और जितनी आयु बची है ना, 40-50 साल, 20 साल, किसी के 10 साल, किसी के 5 साल, पता नहीं कितनी बची है, तो वो देखते हुए मरणानुस्मृति का स्मृति रहनी चाहिए, मरण की स्मृति रहनी चाहिए कि ये नष्ट होने वाला है मेरा जीवन, तो ज्यादा से ज्यादा मुझे इस जीवन से क्या करना चाहिए, छूटने का रास्ता खोलना चाहिए ना। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं, लास्ट का शब्द भगवान बुद्ध का लास्ट का वचन है कि वह धर्मा संकर आपको मानते ही ना संपादित कर, कि सभी क्या है, वह धर्म है, सभी चीजें वह धर्म है, जिस चीज की कामना कर रहे हैं वो भी वह धर्म है, जो कामना कर रहा है हमारा चित्त वो भी वह धर्म है। तो ऐसा जानेंगे तो क्या हो जाएगा, इस संसार का जो मरणशील स्वभाव है वो समझ में आ जाएगा, और मरणशील स्वभाव समझ में आने से कि इसमें हमें प्रमाद नहीं करना है ना, उसमें हमें अभी अप्रमादी होते हुए है ना, उत्साह जगाते हुए, वीर्य जगाते हुए, समय व्यायाम करते हुए, समय स्फूर्ति करते हुए, समय समाधि का अभ्यास करना है ना। तो अगर समय समाधि कभी हो जाती है तो हम जल्दी से जल्दी उस जीवन से छूट सकते हैं। तो इसीलिए हमें प्रैक्टिस को बढ़ाना है ना, प्रैक्टिस को बढ़ाना है। हम सुबह जितना करेंगे, 1 घंटा, 2 घंटा, जितना आप करते हैं, तो उसमें थोड़ा 5 मिनट बढ़ाने का प्रयास कीजिए, है ना। 5 मिनट थोड़ा हमें प्रैक्टिस को बढ़ाना है, हर रोज या फिर 1 सप्ताह के बाद आप 5-5 मिनट बढ़ा सकते हैं, कि जिससे हमें ऐसा फील हो, जिससे ऐसा हमें लगे कि मैं कुछ तो भी कर रहा हूँ, हर रोज मैं कुछ तो भी पुण्य कर्म कर रहा हूँ, हर रोज कुछ तो भी मैं पुण्य कर्म कुछ तो भी एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ, है ना। उससे क्या हो जाएगा, एडिशन करते करते जाएंगे तो बहुत सारा पुण्य बढ़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमें थोड़ा 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 ज्यादा करना है, 1 स्टेप 1%, 1 स्टेप से ज्यादा 1% करना है ना। तो 1% से बहुत ज्यादा उसको बोलते कंपाउंड इफेक्ट के जैसा वो काम करता है ना। 1% अगर हम हर रोज बढ़ाते जाएंगे तो वो कंपाउंड इफेक्ट से बहुत ज्यादा उसका विपाक आता है, बहुत ज्यादा उसका पुण्य विपाक आता है। जैसे कि एक कहानी है कंपाउंड इफेक्ट के ऊपर, की कंपाउंड इफेक्ट किस प्रकार से काम करता है, कि जैसे एक एक राजा के दरबार में एक भिखारी सा आ जाता है, या फिर कोई ब्राह्मण सा आ जाता है। अब वो राजा को बोलता है कि मुझे क्या करो, तुम एक एक दाना जो है गेहूं का एक दाना दान दो। राजा हंसने लगता है कि गेहूं का एक दाना दान दो, है ना। राजा ऐसे दान कर्म करता रहता है। तो एक दिन एक एक व्यक्ति आता है, वो बोलता है कि मुझे एक गेहूं का एक ही दाना दान दो। तो राजा हंसने लगता है, एक ही दाना कैसे दान दे भाई, है ना, दान मानना भी है तो बहुत सारा मांगो। तो वो बोलता है कि हाँ, एक दाना दान करना है, लेकिन मेरी एक शर्त है ना, कि मुझे चेस बोर्ड पर जितने दाने बैठेंगे उतने दाने देंगे, है ना। तो बोलता है ठीक है, चेस बोर्ड पे 64 जो होते स्क्वायर होते हैं, 64 रखाने होते हैं। तो राजा सोचता है कि 64 दाने उसको दे दूंगा, लेकिन वो बोलता है कि उसमें मेरी एक शर्त है, उसमें मेरी एक शर्त रहती है कि मुझे एक अगर एक बोर्ड पर पहले 64 ऐसे बॉक्सेस है समझो ना चेस के, तो एक बॉक्स में एक दाना दोगे तो दूसरे बॉक्स में मुझे 2 दाने चाहिए, है ना, तीसरे बॉक्स में मुझे 2 से 2 गुना चाहिए, है ना, एक का 2 गुना, एक दूसरे बॉक्स में गया तो 2 गुना, उससे तीसरे बॉक्स में गया तो उससे 2 गुना, 4 उससे चौथे बॉक्स में गया तो उससे 2 गुना, 4 से 8 उससे बॉक्स में गया तो ऐसे। तो ऐसे करते करते वो बोल रहा है कि मुझे 64 जो है रखाने दाने चाहिए। तब तो ठीक है, राजा बोल रहा हाँ दे दूंगा। तो उसका कैलकुलेशन किया जाता है कि कितना हो जाएगा, तो उसका कैलकुलेशन जब किया जाता है हाँ, तो हर रोज इसका मल्टीप्लीकेशन किया जाता है, हर दाने का मल्टीप्लीकेशन किया जाता है। तब जब वो 64 × 63 × 64 का जो लास्ट का मल्टीप्लीकेशन होता है वो इतना ज्यादा होता है कि वो उसका काउंट भी नहीं किया जा सकता, है ना। पहले तो हो जाए 1000 1000, लाखों दाने हो जाते हैं लास्ट के लाइन में, लेकिन लास्ट की जो दो दो तीन लाइनें हो जाती है उसका मल्टीप्लीकेशन जब किया जाता है तो वो करोड़ों हो जाते हैं,
ना लाख, एक इसमें लाख होते हैं, दूसरे इसमें करोड़ होते हैं, फिर तीसरे इसमें डायरेक्ट करोड़ होती है, इतने की वो गिन नहीं सकता। तो राजा का बुरा भंडार भी वो कम गिर जाता है, इतने सारे दाने गेहूं के वो हो जाते हैं। तो कंपाउंड इफेक्ट इस प्रकार से काम करता है कि वो बूंद बूंद से गढ़ा भरता है ना, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो बूंद बूंद अगर हम हर रोज ऐड करेंगे और पहले का बूंद सूखने नहीं देंगे तब जाके गढ़ा भरेगा, तो उसी प्रकार से कंपाउंड इफेक्ट काम करता है कि बूंद बूंद से हमें नजर तो नहीं आता कि गढ़ा भर रहा है, लेकिन एकदम में आता है कि वो भर जाता है। तो उसी प्रकार से हर रोज थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस, 1% प्रैक्टिस बढ़ाएंगे तो हमारे प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी आएगी, हमारा जो एफर्ट्स है वो बढ़ेगा, हमारा कॉन्सेंट्रेशन वो बढ़ेगा, हमारी पारदर्शिता वो बढ़ेगी, हमारा विजडम वो अभी 1% बढ़ेगा। तो इसीलिए आप 1 घंटे की साधना करते हो तो उसमें 5 मिनट बढ़ाओ, है ना, कि मैं 1 घंटे के बाद, ठीक 1 घंटे के बाद मुझे उठ जाता हूँ, तो उस समय में उठना नहीं है, चाहे कितना भी मन करे रिलैक्स हो जाओ, आसन थोड़ा रिलैक्स करो, फिर से 5 मिनट बैठना ही बैठना है। किसी भी प्रकार से 5 मिनट आपको हर रोज बढ़ाने हैं, हर रोज बढ़ाओ या फिर वीकली बढ़ाओ, ऐसा 5 मिनट क्या करो, 1% कमाइए, इसमें बढ़ाया आपने, ध्यान में बढ़ाया, 1% धर्म श्रवण करना, है ना, कि समझो एक लेक्चर देखते हो तो थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी देख लिया करो, 1%, है ना, यूट्यूब में दूसरा 5 मिनट का दूसरा कोई दूसरा वीडियो देखा करो जो धर्म की नॉलेज आपको देता है, ऐसा रेगुलरली करना है। 1%, एक किताब हर रोज पढ़ते हो तो एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा पढ़ो, है ना, तो उस प्रकार से एक एक करके, 1-1% करके, हाँ अगर आप वीकली 1-1% भी करोगे तो बहुत ज्यादा ईयरली उसका बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है, बहुत बड़े पैमाने पर उसका ग्रोथ होता है। हम जैसे दिन में एक किताब एक पेज पढ़ोगे, 5% उसमें ऐड, 1% ऐड करोगे हर रोज, एक पैरा पढ़ोगे तो 1 हफ्ता बाद, 1 महीने बाद आप 2 पेजेस पढ़ो, है ना, फिर दूसरे महीने में जाओगे तो आप हर रोज 3 पेजेस पढ़ोगे, और चौथे महीने जाओगे तो हर रोज आप 4 पेज पढ़ोगे, और ऐसा करोगे तो 12 महीने में आप एक दिन में 12 पेज पढ़ोगे, जो आपकी हैबिट थी 1 पेज पढ़ने की वो अभी क्या होगी, 12 पेज पढ़ने की होगी। उसी प्रकार से आपका मेडिटेशन में भी वैसा हो जाएगा, 5 मिनट बढ़ाते जाओगे तो 1 घंटे में आप, अब सॉरी, 1 साथ में आप 2 घंटे 3 घंटे के ऊपर की आपकी सेटिंग बन जाएंगी। तो इस प्रकार से आपको एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करना है, हर रोज 1% बढ़ाना है, और हर रोज या हर वीकली आप जैसा आपको कंफर्टेबल है, जैसा आप बढ़ा सकते हैं उतनी मात्रा में बढ़ाना है, और उससे कम नहीं होना, उससे अभी घटाना नहीं है, उससे कम हो जाए तो फिर 1% बढ़ाना है ना, उसका क्या करना है, हमें भर लेना है। समझो तो आज 1 घंटे का मेडिटेशन नहीं, आधा ही घंटा हुआ तो ठान लेना है कि दूसरे दिन में 1.5 घंटा करूंगा और उसमें प्लस 5 मिनट 1% ऐड करूंगा। तो इस प्रकार से अगर आप छूटेंगे नहीं पुण्य कर्म करने से, 1% बढ़ाओगे तो 1% बढ़ाने में आपकी जितनी प्रज्ञा यूटिलाइज होगी उतनी प्रज्ञा आपकी बढ़ जाएंगी, मतलब वो ईयरली अगर उसका कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत बड़े पैमाने पर आपकी प्रज्ञा, आपके विजडम बढ़ जाएगा, आपका अनुभव, आपका साक्षात्कार बढ़ जाएगा, है ना। तो बहुत बड़े पैमाने पर आपको दुख समझ में आएगा, दुख के 4 आधे सत्य समझ में आ गया, आधे अष्टांगिक मार्ग समझ में आ जाएंगे। तो आप जो कुछ भी करते हो उसमें 1% बढ़ाओ, है ना, दान कर्म करते हो तो भी 1% बढ़ाओ, 100 रुपये दान देते हो तो 101 रुपया दान कर देते, है ना, इस प्रकार से 1% करके, 1% करके, 1% करके बढ़ाना है। इससे क्या हो जाएगा, इससे 2 चीज होगी, एक तो आपका एफर्ट्स बढ़ेगा, एक तो आपका विजडम बढ़ेगा, दूसरा है आपकी स्मृति बढ़ेगी, है ना, स्मृतिमान रहना है कि मुझे 1% बढ़ाना है ना, वो मन में रहेगा आपके कि मुझे 1% बढ़ाना है, मेरी साधना को 5 मिनट बढ़ाना है, मेरी साधना को, वो अगर मन में रहेगा तो आपके पास एक कुछ भी गोल रहेगा, एक टास्क रहेगा, उस टास्क को माइंड रिकॉग्नाइज करेगा, हर बार मेमोराइज करेगा, रिमेम्बर करेगा, और माइंड आपको देगा कि आपको 1% ही करना है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है, 1% तो इजीली कर पाएंगे, तो इसलिए माइंड पर ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा, और माइंड 1% करने के लिए इजीली आपको हेल्प करेगा, है ना, आपका साथ देगा, और वो जैसे 1% करने के लिए आपको मोटिवेट भी करेगा, आपकी स्मृति भी रहेगी, तो मुझे पीछे नहीं जाना, मुझे आगे जाना, मुझे 1% बढ़ाना है। तो इससे आपका एक हर रोज एक लक्ष्य होगा कि मुझे 1% बढ़ाना है, तो जिससे आपके अधिष्ठान पाने का भी बढ़ जाएगा, 1% का अधिष्ठान करते करते, अधिष्ठान पाने का 1%, 1% करते करते ईयरली बहुत ज्यादा परसेंट बढ़ जाएगा, है ना। तो इसीलिए ये बहुत आवश्यक चीजें हैं कि आपको समझनी है कि आपको दुख देखना है, पहली बात ये है, दूसरी बात ये है कि जो आप साधना कर रहे हो उसको 1% बढ़ाओ, है ना, क्योंकि ऐसा भी होता है कि बोर्डम इसीलिए आ जाता है क्योंकि वो सेम रूटीन हम फॉलो करते हैं, उस रूटीन को थोड़ा बढ़ाओ,
ना थोड़ा 1% से पिकअप करो, है ना, थोड़ा बूस्ट करो, तो उससे क्या हो जाएगा, आपको रूटीन करने में भी एंजॉय हो जाएगा। जैसे कि कोई जिम में अगर जाता होगा, तो जिम में जाता है तो हर रोज शुरुआत में जो ट्रेनिंग होता है उसको 1 kg उठाता है, 2 kg उठाता है, लेकिन वो अगर 7 दिन महीना भर भी उसको 2 kg उठाता है तो वो कुछ ग्रोथ नहीं कर पाएगा ना। सामने वालों को अगर ग्रोथ करना है तो उसको वो 3 kg बढ़ाता है हर वीक में, 4 1 kg और बढ़ाता है, 5 kg करता है, महीने भर को 10 10 kg तक ले जाता है ना। अगर महीने भर भी 1 kg उठाता रहेगा तो उसका एक क्या बोलते हैं, और कुछ नहीं आएगा। दूसरी बात है कि वो जो करने के लिए गया है, जो व्यक्ति जिम में गया है, उसको भी बोर फील होगा कि मैं ऐसे 1 kg वेट उठा रहा हूँ, ये तो कुछ है ही नहीं, है ना। तो इसीलिए स्ट्रेस डालो है ना, अपने बॉडी पे, अपने माइंड पे, अपनी भावना पे स्ट्रेस डालो कि मुझे करना है ना। एक गोल रखो, टास्क बनाओ, अवेयर रहो, है ना, और थोड़ा एफर्ट्स करो, थोड़ा अधिष्ठान बढ़ाओ 1% से। उससे अगर 1% करते 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 जाओगे, हर महीने में बढ़ाओगे, हर वीक में बढ़ाओगे, हर वीक बहुत अच्छा रहेगा, हर वीक में बढ़ाओगे तो 52 वीक्स होते हैं, तो नियर अबाउट आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करेंगे, तो बहुत ज्यादा, मतलब वो 52% से ज्यादा आपका जो है साधना बढ़ जाएगी, मतलब 100 के ऊपर 52 हो जाएगा, 150% आपका साधना जो है बढ़ जाएगी, आपका जो पुण्य जो है वो बढ़ जाएगा, आपका रिजल्ट 150% बढ़ जाएगा, है ना। तो इसी प्रकार से ये प्रैक्टिस भी हमारी बढ़ जाएगी, और हमें प्रैक्टिस करते वक्त एंजॉय भी फील होगा, है ना। हम कुछ तो भी कर रहे हैं, हमें एहसास होगा, माइंड माइंड बोर्डम भी फील नहीं करेगा, है ना। और दूसरा है कि साथ ही साथ देखते रहो कि मेरा मृत्यु जो है समीप आ रहा है, इसलिए मुझे ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बढ़ानी चाहिए, लेकिन 1% बढ़ाने से भी ठीक रहेगा। तो इस प्रकार से ये पुण्य की जो शिदोरी है, पुण्य का जो क्या बोलते उसको संचय है, वो हमें अगले जन्म में भी काम आएगा, जब तक निर्वाण नहीं प्राप्त होता तब तक हमें वो काम आ सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें ध्यान में लेना है और प्रैक्टिस को हमें बढ़ाते रहना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी का सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो, साधु साधु साधु।